मोक्षमार्गस्नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां पण्डिततुल्यते। कल थोड़ा सा भूगोल हमने देखना प्रारंभ किया था, क्योंकि थोड़ी बहुत तीन लोक की रचना समझे बगैर हम नरकों की स्थिति नहीं समझ सकते। कल हमने पूरे लोक का घनफल 343 राजू देखा था, जिसमें अधोलोक का घनफल 196 घन राजू है और ऊर्ध्वलोक का घनफल 147 घन राजू है, जिसमें मध्यलोक भी शामिल किया है। ठीक है, मध्यलोक का अलग सब कुछ भी नहीं किया है। और कल हमने सिद्धशिला का भी स्थान, उसका आकार हमने देखा था। हमने यहाँ से देखा था कि सर्वार सिद्धि के ध्वज दंड के ऊपर 12 योजन चलो तो वहाँ पर ईषद प्राग्भार नाम की पृथ्वी है, जो एक राजू क्या कहेंगे, एक राजू चौड़ी कहेंगे, चौड़ी लंबी 7 राजू और 8 योजन मोटी, हाँ हाइट। तो ये हमने डायमेंशंस ईषद प्राग्भार नाम के 8वीं पृथ्वी के देखे थे। और जो हम ये कहते रहते हैं कि ईषद प्राग्भार पर सिद्ध भगवान विराजते हैं, ये बात ठीक नहीं है, बल्कि ईषद प्राग्भार के ऊपर जो सिद्धशिला है, कल तो हमने यहाँ तक देखा कि ईषद प्राग्भार तो दूर, सिद्ध शिला पर भी भगवान सिद्ध भगवान नहीं रहते। तो ईषद प्राग्भार पर सिद्ध भगवान रहते कहना ये युक्ति संगत नहीं है। तो कल हमने देखा था कि ईषद प्राग्भार के डायमेंशंस, और फिर इसी को लगकर ये सिद्ध शिला है जो स्वर्ण चांदी समान उसका रूप रंग है, स्फटिक मणि से बनी है और रत्न जड़ित है, बीच में 8 योजन की है और घटते घटते टैपरिंग, घटते घटते लाइक कॉनिकल, घटते घटते वो एक अंगुल तक आती है, कहीं कहीं एक प्रदेश ऐसा भी मिलता है, तो जो भी कथन होगा। और ऊपर से गोलाई देखे टॉप व्यू तो 45 लाख योजन का उसका फैलाव है, ये कल हमने देखा था। और हमने एक बात देखी थी, ईषद प्राग्भार के नीचे 20,000 योजन के घनवात वाले, घनोदधि वात वाले, घनवात वाले और तनुवात वाले, ऐसे 3 वाले हमने देखे थे। और सिद्ध शिला के फिर ऊपर 2 कोश का घनोदधि वात वलय, 1 कोश का घनवात वलय और फिर 1575 धनुष का तनुवात वलय। कल इतना देखा था हमने, क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, इसका आ रहा है। तो क्या किया जा सकता है। तो हमने देखा था, और इसी 1575 धनुष में एकदम ऊपर में सिद्ध भगवान स्थित है, 525 धनुष में। लेकिन साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात कल कही थी कि ये दोनों धनुष अलग अलग है। ये 1575 वाला धनुष है, ए भैया आज है नहीं ना लाइट, नहीं तो इसे शौक है क्या कोई अंधेरे में बैठने का। हाँ, 1575
धनुष है वो प्रमाण माप का धनुष है और ये लघु धनुष का माप है. मतलब 525 धनुष में जो सिद्ध क्षेत्र है वह 1575 धनुष वाले तनुवात वलय से थर्ड भाग में है ऐसा नहीं है. थर्ड भाग में तब होता जब दोनों धनुष एक डायमेंशन के होते. ये बड़ा धनुष छोटे धनुष से 500 गुना बड़ा है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र 1500वें भाग में है. कितने जन इस बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूँ मैं. अभी देखिए, मैं आपको प्रश्न वैसे पूछूं, आप मुझे बताएंगे जगन्य अवगाहना वाले सिद्ध भगवान क्या अवगाहना रखते हैं आपने? जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ. मैं आपको पूछूं तो ये घनवात वलय सॉरी तनुवात वलय से कितने गुना ये छोटे सिद्ध सबसे छोटे सिद्धि की अवगाहना छोटी है या बड़ी है और कितने गुना, ये बताएं मुझे आप. सबसे बड़े सिद्ध है बड़ी अवगाहना वाले, उनसे कितना गुना बड़ा है तनुवात वलय? लगभग 1500 गुना. पक्का है ना? सिद्ध क्षेत्र, और सिद्ध क्षेत्र मतलब वो बड़ी अवगाहना, 525 धनुष तो है ही सिद्ध भगवान. और हम यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि सबसे छोटे सिद्ध है वो कितने वे भाग में है तनुवात वलय के, तो आपके पास इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा? पहले तो आप ये लगाओ कि सबसे जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ मतलब 7/2 हाथ इज इक्वल टू 7/8 धनुष. क्यों? हाथ को 4 से डिवाइड करो तो धनुष आता है, 4 हाथ बराबर 1 धनुष होता है, तो 7/8 धनुष. ये क्या क्या होगा ना किसकी? ये सबसे छोटे सिद्ध की. और बाय 1500 ऐसा ही करेंगे ना? नहीं, बाय इसे एस टू 7/8 एस टू धनुष है ना 525. एक मिनट बाय 525. ये 525 क्यों किया हमने? ये सबसे बड़ी अवगाहना वाले सिद्ध, अभी उनमें टैली कर रहे रेशियो हम, तो 7/8 एस टू 525. ये एक बार हमको ये फिगर मिल जाए तो फिर क्या होगा? एक मिनट, अभी हमको डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना है. और 525 जो धनुष था वे वाले जीव लगभग ये 1500वें भाग थे, तो आपको तुरंत ही निकल आएगा ये कितने भाग होंगे. फिर समझ रहे हो आप, मैथमेटिक्स समझ में आ गए आपको? ये 3 फिगर हमको मिल गए. क्या? कि यदि 525 धनुष हम कहते हैं तो वो 1500वां भाग है. यदि हम 7/8 धनुष कहते हैं तो कितने का भाग निकलेगा? समझ रहे हैं आप ये गणित को? प्रॉपर बैठो भैया. तो गणित क्या निकलेगा बताओ कोई मुझे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको 4th फिगर निकालनी है, क्या फिगर निकलेगी बताओ मुझे. नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? करो करो जल्दी. ये 525 धनुष वाले बड़े सिद्ध है, सबसे छोटे सिद्ध कितने धनुष वाले है? 7/8 धनुष वाले है. अब मैं ये कह रहा हूं 525 धनुष वाले 1500वां भाग रखते हैं वे, तो उनमें 1500 मल्टीप्लाई करो तो तनुवात वाले आता है. अब ये तो वो छोटे सिद्ध वो कितने हिस्से में रहते हैं, ये प्रश्न है मेरा.
आपको उत्तर आएगा 9 lakhs लगभग, आ रहा है लाखों में तो आ रहा है गिनती, लाखों में तो आ ही रही है गिनती, अभी वो 9 lakh आएगा। लाखों में कैसे आएगी गिनती, 1500वां भाग 525 धनुष में, और 525 धनुष को और डिवाइड कितने से करना है, लगभग लगभग आपको 525 धनुष को लगभग करना है 3.5 हाथ, मतलब कितने धनुष बोले हमने, 7/8, मतलब लगभग मान के चलो लगभग एक धनुष, अरे 3.5 हाथ मतलब लगभग एक धनुष। अबे और 1500 को आपको 1500वां हिस्सा ऑलरेडी था, अब उसको 1500 में 500 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7.5 लाख आ रहा है। तो खुल्लम खुल्ला ये बात नक्की हो गई कि 7.5 लाख का हिस्सा, और परफेक्टली आप जाओगे तो वो 9 lakhवां भाग छोटे सिद्धों का है तनुवात वलय से। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप सब बात को पकड़ रहे हैं ये जानकर बहुत खुशी है। ये आप तो प्रयास कर रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। ये सुनना भैया, और एक बात, ये ऐसी धर्मरुचि केवल मेरे ही सामने नहीं रखना, लोग मुझे कहते हैं आपके सामने तो ये बड़ी रुचि रखते हैं, फिर पीठ पीछे जो क्या क्या करते हैं। देखो धर्म हमारे समझने के लिए है, हमारी खुशी के लिए है, वो कोई सामने और पीठ पीछे की बात नहीं। आप मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे से कैलकुलेट करते होंगे और फिर पीठ पीछे कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सामने तो करें, ये भी तो कोई कम नहीं है। और पीठ पीछे मतलब कहना ये है, धर्म हम हमारे लिए करें, किसी और के लिए ना करें। ये एक बात तो ये हुई हमारी। आज हमने देखा कि सिद्ध भगवान, छोटे सिद्ध भगवान और बड़े सिद्ध भगवान, ये कौन से हिस्से में तनुवात वाले के। कल तो हम 1500वां हिस्सा कल देख चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि मैंने कहा था 1575 धनुष ये प्रमाण वाला है, और जो सिद्ध क्षेत्र का 525 धनुष है वो लघु वाला है। ये कल बोला तो 1500वां हिस्सा कल ही देख लेता, आज बस इतना ही आगे बढ़े है। छोटे सिद्ध को और डिवाइड किया हमने, कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, लगभग 500 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 525 धनुष के हैं और वे लगभग एक धनुष के हैं लगभग, तो और 500 से डिवाइड किया तो 1500 का हिस्सा था पहले ही, और उसका भी 500 हिस्सा करेंगे तो 1/500 मल्टीप्लाइड बाय 1/500 इज इक्वल टू 1/750000, ऐसा ही आएगा। तो 7.5 लाख वैसे अप्रोक्सीमेटली, और परफेक्ट आप निकालेंगे इसको, क्योंकि परफेक्ट ना वो एक धनुष था, एक धनुष से और कम आएगा 3.5 हाथ मतलब, है ना। तो और अब ये 9 lakh का हिस्सा बन जाएगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमको आज त्रस नाड़ी का गणित फाइंड करना है। और एक बात थोड़ी सी बीच में कह दूं, मैं ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि यह सिद्ध शिला कैसी है, उत्तान श्वेत छत्राकार, क्या कहते हैं उसको, उत्तान श्वेत छत्राकार स्फटिक, ये एकदम क्या है, धवल, क्या वो एक पूजन में लिखा है इसमें कि ये चावल के कण ऐसे सफेद है जैसे सिद्धशिला, धवल है, उत्तान श्वेत छत्राकार। अभी उत्तान का अर्थ क्या, उत्तान का अर्थ देखिए, आपको पहले भी मैंने कभी बताया होगा, एक ज्ञानमती माता जी है ना, आई थी ना यहाँ पर, वे सिद्धशिला मानते हैं, जैसे हम जैसी मान रहे हैं ना अभी वर्तमान में, बिल्कुल उल्टी मानते हैं वे ऐसी मानते हैं। छत्राकार देखे मैं दिखाऊं, जैसे ये ऐसा, जैसे आर्च होता है ना, आर्च कहेंगे ना इसको, आर्क कह रहे आप, आर्च कह सकते हैं उसको, आर्क तो मैथमेटिकल वर्ड होगा ज्योमेट्रिकल। देखो ये आर्च ऐसा बनाती है वो, और उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र बनाती है। ये तो मैंने लगभग 8-10 साल पहले फिगर देखा, तो उस बात को लेकर विद्वानों में खूब चर्चा हुई,
बोले ये क्या, आज पहली बार देख रहे हम कि ये तो ऐसा बना है। तो वायु मूल में उत्तान छत्राकार ग्रंथ में इतना ही लिखा है, ग्रंथ में तो कोई फिगर तो नहीं लिखी थी, बनाई थी। अभी समस्या ये छत्राकार मतलब क्या, तो कोई छत्र को ऐसा माने, ऐसा उल्टा, ये अपन तो इसको उल्टा कह रहे, कोई इसको सुल्टा कह रहे छत्र को, तो कह रहे कोई छत्र यदि ऐसे जैसे भगवान के छत्र है, भगवान के ऊपर छत्र लगा है, तो हम ऐसा मानते कि उल्टे छत्राकार मतलब ऐसा चाहिए सिद्धशिला, इसलिए हम ऐसी बनाते चंद्रमा समान, क्रिसेंट शेप्ड कहेंगे ना उसको। अब वो क्या कह रही है ज्ञानमती माता जी का कहना है, ऐसा नहीं कि छत्र का आकार क्रिसेंट शेप होता है और ये तो हमने उल्टे रखे एक छत्र भगवान के ऊपर, ऐसा उनका कहना है। तो कहते हैं और सिद्धशिला भी उल्टी छत्राकार कही है, तो वहां पर भी ऐसा क्रिसेंट से उल्टा आर्क का आर्क शेप्ड होना चाहिए सिद्ध, इसलिए ये दो मतों में तफावत है, क्योंकि छत्र को हम ऐसा माने कि ऐसा माने, और फिर उल्टी छत्राकार कहेंगे तो फिर जो ऐसा मानते वो ऐसा कहेंगे जैसा हम कह रहे हैं, और जो छत्रा ऐसा मानते हो वैसा कहेंगे, सुबह में मानती है। लेकिन ग्रंथ में तो कोई फिगर नहीं बना है, तो कुछ भी हो अब हम क्या उसमें उलझे। लेकिन नालंदा से छपा एक महाशब्दकोश है, उसका वहां पर उत्तान का अर्थ करते समय उन्होंने किया है, उत्तान मीन्स सीधा, और अर्थ करते समय करते हैं कि जिस प्रकार कटोरे का मुख ऊपर हो और पीठ नीचे हो इस प्रकार। अभी ये अर्थ यदि हम उत्तान का देखते हैं तो जो हम सिद्धशिला मानते हैं वर्तमान में वो बिल्कुल ठीक बैठती है, और लॉजिकली भी वही ठीक बैठ रहा है। क्रिसेंट शेप जो हम मानते हैं ये उल्टा ऐसे कैसे होगा, सिद्ध भगवान को एक कवच के रूप में चाहिए वो कुछ जो एनक्लोज करे उनको प्रॉपरली, तो वो तो कोई लॉजिक बैठती है। तो ये भी मैंने एक साथ साथ बोल दी कि उत्तान का अर्थ क्या करना, तो डिक्शनरी में ऐसा अर्थ मिल रहा है कि मुख ऊपर कटोरे जैसा, खुली कटोरी, कटोरी जैसा, तो कटोरी तो खुली है, ऊपर मुख और नीचे पीठ, उसी प्रकार ये छत्र होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एक मैं और प्रश्न आपको दे रहा हूँ, अभी आज हम पॉइंट करनी है हमको त्रस नाड़ी की डायमेंशंस। ठीक है, वैसे मैं थोड़ी सी और बात कहूँ पहले, ए सुनिए सुनिए सब, ये बहुत बार प्रश्न आता है असंख्या द्वीप समुद्र ये जो फैले हैं पूरे, तो स्वयंभू रमण समुद्र के बाद क्या है, तो बोलिए भूमि है, पृथ्वी है ना, चारों तरफ चारों कोने हैं वो पृथ्वियों के हैं ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, और लगभग त्रिलोक सार तिले पंडिति ऐसा मिलता है। धवलाकार का कुछ विशेष कहना है, देखो क्या कहते हैं, धवलाकार के अनुसार स्वयंभू रमण समुद्र के बाद लोक का अंत नहीं है, उसके बाद भी असंख्यात योजन खाली भूमि है, मतलब असंख्यात योजन ये कोई थोड़ा नहीं, तदुपरांत लोक समाप्त होता है, भूमि है मानते हैं वे भी। हालांकि त्रिलोकसार वालों ने भी माना, तिले पंडित वालों ने, लेकिन वे चार कोने मानते हैं। अभी इनका समझ में नहीं आ रहा है, ये हो सकता है चारों तरफ मानते होंगे भूमि को, लेकिन उसको द्वीप ना कहेंगे, क्यों, क्योंकि दैट इज नॉट सराउंडेड एनसर्कल्ड बाय वाटर, वो यदि सराउंडेड बाय वाटर होता तो द्वीप संज्ञा पाता, अभी उसको द्वीप ना कह सकेंगे क्योंकि उसको मात्र भूमि ही संज्ञा मिलेगी। तो चारों तरफ है कि मात्र चार कोने में, ये नहीं समझ में आ रहा है। लॉजिकली तो चार कोने ख्याल में तो आती ही है, लेकिन यदि हम स्वयंभू रमण समुद्र और नीचे का गहराव ले, कम का गहराव, तो चारों तरफ भूमि शेष कहनी पड़ेगी। ठीक है, तदुपरांत लोक समाप्त होता है, उसके मतानुसार इस खाली भूमि के ऊपर, अभी और एक बात, इस खाली भूमि के ऊपर सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व नहीं है, क्यों, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा स्वयंभू रमण समुद्र के अंत तक ही पाए जाते हैं। सूर्य चंद्रमा की स्थिति तो हम
पाँच छः दिन में देखेंगे, लगभग कल से हम सूत्र चालू करेंगे तो कल से देखना चालू करेंगे। ये सामान्य जानकारी मिल गई, वहाँ पर सूर्य चंद्रमा का होना संभव नहीं कहते हैं, मात्र स्वयंभू रमण समुद्र के ऊपर तक ही सूर्य चंद्रमा पाए जाते हैं। कोई प्रश्न है आपको? अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं, छः सात दिन में आएगी पूरी, अभी तो इतनी नोट करो फिर वहाँ पर प्रश्न पूछो। ठीक है, आपका कहना है ढाई द्वीप तक ही तो सूर्य चंद्रमा पाए जाते हैं, अभी हम बाद में देखेंगे क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए त्रस नाड़ी का डायमेंशन देखना है, कितने जन तैयार है इसके लिए? अमन तैयार नहीं है, मतलब हूँ क्या हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कितने जन तैयार है। त्रस नाड़ी का यूनिट हमको फाइंड करना है। आपने अक्सर सुना होगा, मैं आपको पहले पूछूंगा कि त्रस नाड़ी कितनी है, हाउ फनी answers यू आर स्पीकिंग। कोई 14 राजू कह रहा है, कोई एक राजू कह रहा है, तीसरा उत्तर कोई आ ही नहीं रहा है। देखिए भाई, देखिए भाई, 14 राजू तो लोक नाड़ी होती है। नाड़ी मतलब ये कोई पजामे की नाड़ी बात नहीं है, नाड़ी मतलब नाली, नाली मतलब एक हॉलो पार्ट पैसेज, आप समझ रहे हैं? नाली और नाड़ी, मैंने एक बार कहा था कि आपको डलयोर भेदा, ड और ल को पर्यायवाची माना जाता है, नाली मतलब ही नाड़ी। बहुत जब अपन बोली भाषा में बोलते हैं जैसे र और ड एक साथ बोलते हैं, कोई कोई बोलता है ना क्या रबड़ देना जरा रबड़, अच्छे प्रॉपरली क्या बोलना चाहिए था, रबर, बोलते रबड़ होता है, ऐसा बोली भाषा चलती रहती है ऐसी, और बुंदेलखंड में तो बहुत चलती है ऐसी, ड ड बोलते र को। तो मैं तो ये कह रहा हूँ अभी कि उसी प्रकार ल और ड को भी माना है समान, तो नाली और नाड़ी ये पर्यायवाची है इस प्रकरण में। नाली मतलब एक प्रकार का क्या कहेंगे आप भी, हॉलो पार्ट, नालिया होती है ना नालिया, तो उसी प्रकार एक हॉलो पार्ट है एक, ये लोक नाड़ी है 14 राजू। लेकिन ये त्रस इतने में नहीं रहते हैं, त्रस नाड़ी 13 राजू है, ये मोटा मोटा कथन है। सुना है कभी किसी ने अभी जो मैं कह रहा हूं, क्यों नीचे एक राजू मात्र स्थावर ही स्थावर है, पंचस्थावर ही है नीचे, उस पृथ्वी को कलंकल, सॉरी दैट इज नॉट एक्चुअली पृथ्वी, वो तो सातवीं पृथ्वी के नीचे का पार्ट है, महातम प्रभा के नीचे का पार्ट है वो, और वो कलंकल पार्ट है वो, और पार्ट कहेंगे पृथ्वी नहीं है वो, कलंकल में, और कलंकल ऐसा नाम भी राजवार्तिक में ही आया है, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये उनका कहना है ये कलंकल वाला जो पार्ट है इसमें मात्र एक राजू स्थावर जीव ही रहते हैं। अब जिनका बादर नित्य निगुद रहते कहना है वो कथन भी यथार्थ नहीं है सच पूछो तो, क्यों कि बादर निगुद, अब मेरे पास एक लेख है, आर्टिकल है, उसको पढ़ेंगे, मैंने छह ढाला वालों को खूब लिया है ये प्रकरण, कि चाहे तो आपको फिर कभी ले लूंगा मैं, कि वहां पर ये पूरा सिद्ध किया है बादर नित्य निगुद जो नीचे लिखा जाता है वो कथन युक्ति संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि बादर नित्य निगुद वो अन्यत्र भी रहते हैं, और वहां पर भी नीचे कोई निगोदी जीव ही नहीं है, पांचों स्थावर है, तो हम वहां पर क्यों बादर नित्य निगुद बोलते हैं? ऐसा एक लेख है कटारिया जी का, आपको उसको पढ़ना चाहिए, उन्होंने ग्रंथों के आधार दे देकर सिद्ध किया, इसलिए मैंने अभी मात्र स्थावर ऐसा बोला। तो त्रसनाड़ी कितनी सिद्ध हो रही है मोटे मोटे तौर पर, अभी कुछ कम 13 राजू है, कितने जनों ने सुना है, कुछ कम 13 राजू है त्रसनाड़ी वास्तव में। अब कुछ कम का डायमेंशन हम आज निकालेंगे, कुछ कम का कैसे निकालेंगे, ये सरल सीधी बोलो कोई बात है और हमने अभी अभी देखा, क्या देखा कि जैसे सर्वार सिद्धि के ऊपर ध्वज दंड, उसके ऊपर 12 योजन, कोई त्रस नहीं है। अभी इसका मतलब ये त्रस जीव, त्रस नाड़ी ऊपर यही तक है, कहां तक,
सर्वार सिद्धि तक ही त्रस नाड़ी है, उसके ऊपर कोई त्रस जीवी नहीं है। सिद्ध तो है, अरे सिद्ध ना त्रस है ना स्थावर है, बस दैट इज द लिमिट। तो कुछ कम में कितना कम करना पड़ेगा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। 12 योजन प्लस 8 योजन प्लस 12 योजन प्लस 12 योजन वो ईशत प्रागभार पृथ्वी तक, फिर 8 योजन ईशत प्रागभार का, ये 20 योजन हो गए। फिर 20 योजन के ऊपर दो कोश फिर एक कोश, इतना तो पक्का हो गया। कितना पक्का हो गया? 20 योजन 3 कोश और 1575 धनुष ऊपर, इसमें भी त्रस जी नहीं है। पूरा लेना है सिद्ध क्षेत्र, तीनों वो ले लो आप। दो कोश एक कोश 1575 धनुष, मैं 1525 बोल रहा था क्या जब से, अभी बोला 1575 धनुष। तो ये सब आएगा वो कुछ कम में। तो सात राजू, ये तो देखो ये उर्दो लोक का फाइंड कर रहे हैं हम। उर्दो लोक में सात राजू में से इतना माइनस करो, 20 योजन 3 कोश और 1575 धनुष, इतना माइनस करो। समझ रहे हैं आप सब? अब दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, ये पूरी फिगर को हम छोटी कर लेते हैं। अभी आप मुझे बताएंगे पूरी फिगर क्या बनेगी। 20 योजन 3 कोश 1575 धनुष को एक फिगर में क्या लिख सकेंगे? मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि 4 कोश मतलब एक योजन होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना? ये सब तो इसी को आप क्या बोल सकेंगे? और अब करो फाइंड और मुझे बोलो, इस 3 फिगर को हटाकर एक सिंपल क्या बोलेंगे? कुछ कम नहीं, बहुत अच्छे से बोलो। मैं थोड़ा और खोलू, 2000 धनुष बराबर एक कोश, ओके? क्या बोला मैंने? 2000 धनुष बराबर एक कोश। अब मुझे बताओ ये क्या आएगी फिगर? बोलिएगा कोई, उत्तर चाहिए मुझे। हाँ, ये देखिए उत्तर क्या है। लग ये ठीक तो बोल रहे, प्रॉपर फिगर में 21 योजन को कितना कम? 425 धनुष कम, ये उसका डायमेंशन आ रहा है। कितने जन को समझ में आ गया? इजी है। मैंने ये बोला कि 2000 धनुष मतलब एक कोष, अभी एक कोष के पूरे होने में 425 धनुष यहां पर बच रहे हैं, नहीं तो एक योजन हो जाएगा उसके पीछे। एक योजन फिर 20 में मिला तो 21 योजन में 425 धनुष कम। हम तो त्रस नाड़ी का भी यूनिट निकाल रहे, ये तो हमने कहा का निकाला उर्दोलोक का। अब नीचे का चलो अधोलोक में, अधोलोक में जो सात राजू है उस सात राजू में से तो खुले ही खुला कितना घटेगा? एक राजू तो मात्र स्थावर है, वो तो घटेगा, और भी कुछ घटेगा क्या? प्रश्न है। तो और घटेगा जो सबसे नीचे की पृथ्वी है, महातम प्रभा, ये जो सातवीं पृथ्वी है ये 8000 योजन मोटी है। इसका तो गणित कल हम देखना है, सातों पृथ्वियों की मोटाई कल देखनी है हमको, और आज टाइम मिला तो आज भी देख लेंगे हम, ठीक है? एक कितनी मोटाई है सातवीं पृथ्वी की? 8000 योजन। और ये सब योजन कौन से वाले है? ये प्रमाण वाले योजन है सब, ठीक है? आगे बढ़ो, ये प्रमाण वाले योजन है, तभी तो ये कोश भी धनुष भी कोश भी हम प्रमाण वाले ले रहे। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? बराबर। चलो अभी देखिए, तो इस 8000 योजन जो पृथ्वी महातम प्रभा, उसमें भी सर्वत्र नारकी नहीं रहते हैं। उसका जो पटल है उसमें नारकी रहने का स्थान, वो एक्चुअली वो तो ऊपरी हिस्से में रहते हैं,
ऊपरी मतलब कितना कि 8000 योजन पृथ्वी में से नीचे का 3999 मतलब एक कम 4000 3999 प्लस 1/3 योजन इसमें कोई भी नहीं रहता, समझ रहे हैं? तो ये इसमें तरश जीव रहने का काम नहीं। कितना नीचे का 3999 प्लस 1/3 योजन ये नीचे का हिस्सा हटेगा अटी पृथ्वी में से। तो कुल मिलाकर त्रस नाड़ी कितनी बनेगी बताए? आप में से किसी को टाइम मिलता है फिर बाद में देखने को थोड़े नोट्स को दिन भर में कोई देखता है? यहां पर तो अच्छे नोट्स बनाते हैं सब समझ कर। कितने जन बना रहे? बिल्कुल समझ कर नोट्स सभी बना रहे। ठीक है फिर, ठीक है। बोलो भाई त्रसनाड़ी का क्या बनेगा फिर? कितनी है त्रसनाड़ी? कुछ कम तेरा राजू, कुछ कम में क्या क्या आएगा? एक तो ऊपर का देखो 21 योजन को 425 धनुष कम, ये पूरा फिगर इतना कम किसको? ये तो 14 राज्य को। और कितना कम? ये नीचे का 3999 प्लस 1/3 योजन ये भी कम कर देना। इतना कम 13 राज्यों को इतना कम होगा। कितना कम करना पड़ेगा? 20 योजन प्लस 3 कोश प्लस 1575 धनुष प्लस 3999 प्लस 1/3 योजन। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ बोलो। 20 योजन किसके लिए? बोलो भैया। हाँ ये सरवार सिद्धि के ध्वज दंड से लेकर ईशत प्रागभर तक और मतलब और ईशत प्रागभर का 8 तो कुल मिलाकर कहो तो सरवार सिद्धि के ध्वज दंड से लेकर सिद्ध शिला तक का डायमेंशन है 20 योजन। अब उसके ऊपर 3 वाले ले लिया अपने और नीचे का जो 8वीं पृथ्वी है उसमें 3999 प्लस 1/3 योजन त्रस जीव नहीं है तो कुछ कम में ये सब कम होगा। समझ में आ रहा है सबको? कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? पकड़ रहे अभिषेक? चलो ठीक है सब पकड़ रहे। मैं आगे बढ़ता हूं फिर आगे और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने अभी अभी आपको कहा था हम अभी पूरी पृथ्वियों की मोटाई देखेंगे। अभी एक बनेगा चार्ट, ठीक है? चार्ट देखिए अब कैसा बनेगा। आपके बनेंगे कॉलम 4, एक तरफ पृथ्वी का नाम, फिर दूसरा कॉलम मोटाई, तीसरा कॉलम बिल संख्या, बिल संख्या, और चौथा कॉलम पटल। 4 कॉलम बनने हैं। हाँ जी, जो आपने 8 योजना है बराबर। अरे भाई सिद्ध शिला की इसलिए लेने की आवश्यकता नहीं है क्यों? अच्छा ये बोल रहे एक मिनट, 12 + 8 क्या होगा भैया इसका? ऐसे क्यों लिखा है फिर यहां पर? चलो देखते हैं इसको क्योंकि
ये तीनों बात वाले तो सिद्ध शिला के ऊपर के बता रहे ना अपन, तो सिद्ध शिला के ऊपर के बता रहे बात वाले, इसका मतलब तो ये आठ योजन भी आ ही रहा है सिद्ध शिला का, देखते अपन। चलो अभी कहाँ तक आए, पहले तो ये चार्ट बन रहा है, ये चार्ट में देखिए आप सात पृथ्वियों के नाम लिख लीजिए, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। प्रभा प्रभा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, एक जगह कहीं लिख लीजिए और उसकी प्रभा, प्रभा की प्रभा सब जगह फैल जाएगी। चलो अब मोटाई सबको लिखना है, आप तो एक मोटाई लिख ही पाएंगे सभी, बोलिए। सातवीं पृथ्वी की लिख लो 8000 योजन, फिर लिखो नीचे से ही चलेंगे अपन 16000 योजन, फिर लिखो 20000 योजन, फिर 24, फिर 28, फिर 32, यहां तक आओ। दूसरी पृथ्वी तक आ गए, आ गए दूसरी पृथ्वी तक, अभी पहली पृथ्वी में लिखना नहीं कुछ, गड़बड़ा जाओगे फिर। अब रुक जाना जरा, लिख लिया सबने? अभी बिल संख्या और पटल तो हम कल देख लेंगे, अभी तो इसी को सेटल करना है हमको। रत्न प्रभा के लिए आप लिखेंगे 180000 योजन, क्या लिखेंगे? ये चैप्टर, ये चार्ट तो कल कंप्लीट करेंगे हम, आज मैं दूसरी कोई बात बताऊंगा। 180000 योजन, इसकी भी फिगर बनेगी प्रॉपर, है ना? किसकी फिगर बनेगी? अभी ये मैं जो अभी कहूंगा इसके बाद, पहली पृथ्वी की मुझे फिगर चाहिए, मुझे इसकी भी फिगर चाहिए, किसकी? त्रस नाड़ी की फिगर बना लेना। अभी पहले अपनों देखेंगे कल जो संयम का प्रश्न है उसको कल सेटल करेंगे, फिर बाद में फिगर बना लेना, किसकी? त्रस नाड़ी की प्रॉपर फिगर चाहिए। फिर त्रस नाड़ी में सिद्धशिला वगैरह सभी शत प्रागभर वो भी प्रॉपर आएगा, तो एक पेज पर पूरा पेज खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, एकदम कोने में कहीं, लेकिन प्रॉपर चाहिए वो फिगर मुझे। पेन में हो तो भी चलेगा वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर सब समझ में आना चाहिए। उसी प्रकार मुझे पहली पृथ्वी का भी बराबर फिगर चाहिए। क्या है पहली फिगर का, पृथ्वी का? मैं बता रहा हूं, 180000 योजन मोटी पृथ्वी बोली जा रही है। अभी इस पृथ्वी का नाम पहले तो रत्न प्रभा ऐसा आप देंगे। अभी इसके तो आप पहले तो तीन हिस्से करेंगे, सुनिए। अभी हिस्से इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि डायमेंशंस आपको पता नहीं है। एक तो पहला भाग, सबसे ऊपरी भाग विल बी खर भाग, बीच का भाग पंख भाग, तीसरा भाग बोलिए अब बहुल भाग। तीन भाग की यह रत्न प्रभा पृथ्वी है। मैं थोड़ा समझने के लिए हिंट दूं कुछ आपको, हिंट दूं? हिंट चलो पहले दूसरी बात कहूं, तब तक आप फिगर भी बनते चलेंगे, फिगर सुनते सुनते भी एक बात कहूंगा, फिर मैं फिगर बनाते बनाते सुन लेना। जिनकी देखो, अभी खर भाग की मोटाई 16000 योजन है, अभी आप समझ जाएंगे कितना डायमेंशंस बनाना, और 84000 योजन पंक प्रभा की, तो कितनी योजन अब बहुल की? 16000, 84000, 80000, वेरी राइट। अभी आपको डायमेंशंस ख्याल में आ गया, पृथ्वी बन सकती है, खड़ी हो सकती है। तो नीचे के दोनों लगभग समान बनाओ और ऊपर की छोटी, सुनो सुनो, ऊपर की भी छोटी के लिए थोड़ा रुक जाना जरूरी है, वैसे रुक ही जाओ फिगर के लिए चाहो तो आप, अच्छा रहेगा वो। 16000 योजन खरभाग पृथ्वी, फिर 84000 योजन पंकभाग का पार्ट, और अब बहुल पार्ट 80000 योजन, तीन भागों में विभाजित रत्न प्रभा पृथ्वी है। अभी इसका रहस्य भी थोड़ा पता चले आपको, क्या?
खर क्यों कहते हैं इसको, पंख क्यों कहते हैं, अब बहुल क्यों कहते हैं? खर मतलब लाइक ड्राई पार्ट, पंख मतलब लाइक कीचड़ पार्ट, थोड़ा थोड़ा पानी, और अब बहुल मतलब ज्यादा पानी, अब बहुल पानी ज्यादा, समझ रहे? एक ऐसी बात है ये सब, खर पंख और अब बहुल। अभी आगे, अब इन जो 16,000 योजन मोटी खरभाग है ना, अब उसको टैकल करें हम। फिगर जिसने बनाई हो चलेगा, तो फिर इतनी छोटी सी फिगर बना के वो एक काम करे अच्छा होगा, बल्कि ऐसे फिगर तो बना ही लो चलेगा। तो ये करके क्या करे वे, ये जो 16,000 योजन मोटी क्या खरभाग वाली खरभाग है ना रत्न प्रभा का, उसको गोल बनाओ और उसको इलोंगेट, क्या कहते हैं उसको, एक प्रोजेक्ट करना है उसको प्रॉपर, उसका एक एरो बना के उसका एक व्यू डाल दो आप। होता है ना बहुत जगह ऐसा, नहीं समझे आप? देखो 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 सुनो, मेरे पास एक मैप है, प्लान किसी जयपुर वाले भाई ने मुझे दे दिया, बोले आप मेरी दुकान में कभी भी आ जाना। तो वो जयपुर का पूरा नक्शा बना है उसके ऊपर, तो एकदम पॉइंट वहां पर उसकी दुकान पॉइंट चौराहा, अब उसको लगा गोला और फिर एरो बना के फिर एकदम वहां की, फिर केवल उस चौराहे की, वो पूरा उन्होंने एग्जैग्रेट करके, वो क्या कहने प्रोजेक्शन करके, प्रोजेक्शन कहेंगे उसको, उसको क्या मैग्नीफाई, मैग्नीफाई इज द प्रॉपर वर्ड, एक्चुअली प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट वर्ड, प्रोजेक्टर होता है प्रोजेक्टर, दैट प्रोजेक्ट्स मैग्नीफाई, लेकिन मैग्नीफाई और ख्याल में आता है, तो उसी को मैग्नीफाई करके फिर एकदम बगल में पूरी उसकी दुकान दिख रही है। अब जयपुर के नक्शे में कैसे तो दिखेगी, तो वो मैग्नीफाई करके दिखा दी उसने, चौराहा वगैरह पर्टिकुलर, जहां पर आएंगे सूक्ष्म में आएंगे तो आपको एकदम प्रॉपर एड्रेस चाहिए, उसी प्रकार आप मैग्नीफाई करो, उसको गोला लगाओ और फिर एरो करके आप थोड़ी बड़ी, फिर 16,000 योजन मोटी, तो इसके आपको बनाने हैं 16 पार्ट्स। तो पहला पार्ट जो एकदम ऊपर का वो अच्छे से बना लो पैरेलल लाइंस डाल के, फिर नीचे का छोटी छोटी लाइंस बस ड्रॉ करके छोड़ दो 16, तो भी चलेगा, अब तो लिख के रख दो कि 16 पार्ट्स। तो जो एकदम के ऊपर का पार्ट है किसका, खरभाग का, तो जो 1,000 योजन मोटा पार्ट है उसका नाम है चित्रा। क्या नाम है उसका? चित्रा। दूसरे का नाम है वज्रा। अब मैं 16 नाम नहीं लिखाऊंगा क्योंकि प्रयोजन नहीं है, पहले दो का ही प्रयोजन था जो मैं अभी बताऊंगा। बोलो भाई समकित, 1,000 योजन सबकी, 16,000 योजन पंख भाग बोला ना हमने, उसके 16 पार्ट किए ना, उस 16 पार्ट में 1,000 योजन के पार्ट बन गए, सबसे ऊपर का बन गया चित्रा, ठीक है। अभी ये जो चित्रा बना तो उसके नीचे बनेगा वज्रा, समझ में आ रहा है सबको? ये अच्छा बना है बहुत ही थोड़े समय में इसने, और इन्होंने तो बल्कि टेपरिंग टाइप भी बनाए जो एक्चुअली वहां पर है, वैसे ही है ना नर, मतलब पृथ्वी, तो ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल कहेंगे ना उसको, बराबर इन्होंने ऐसा बनाया है, लेकिन मैं तो कहूँ अभी आप सपाट सपाट बनाएंगे अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा बनाओ ट्रेपेजॉइडल, क्योंकि एक्चुअली तो है ही ऐसे। तो देखिए, नहीं नहीं एक मिनट है, एक मिनट, क्या है नहीं नहीं, लेकिन पहली पृथ्वी जो है ना रत्न प्रभा, वो एक्चुअली उसका जो पहला पार्ट है ऊपर का चित्रा, चित्रा वो तो प्रॉपरली एक क्यों कहो कि एक राजू बनेगा, क्योंकि इसी पर तो हम खड़े हैं सब हम रत्न, एक बात सब समझ लो भैया, हम रत्न प्रभा के खर भाग पर आज खड़े हैं, खर भाग में भी वो चित्रा पृथ्वी पर आज खड़े हैं, तो वो तो बनेगा एक राजू, ठीक है। अब बहुत ही ठीक है, आप बना दो टेपरिंग, कोई खास बात नहीं है उसमें। क्या क्या प्रश्न है आपका, शेप क्या होगा? देखो इन बताया, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ, ऐसा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अधोलोक ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। चलो अब मैं तो क्या कह रहा था आपको कि
ये क्या विशेषता वज्रा के, ये क्यों बताया मैंने चित्र और वज्राज? इसलिए बताया कि ये जो सुमेरु गढ़ा है ना, आपने सुना होगा ये सुमेरु पर्वत की डायमेंशंस, ये कितना है भैया सुमेरु पर्वत लंबाई में? 140,000 40,000 की चुलिका है, 99,000 का पर्वत है और 1,000 गढ़ा है नीचे, नींव है उसकी। अभी 1,000 जो नींव है ना वो प्रॉपर चित्र पृथ्वी तक गई, आप समझ रहे हैं? अभी बेस में, चित्र पृथ्वी के बेस में गई है, बिल्कुल गहरे है चित्र पृथ्वी को। और इवन जो सुमेरु पर्वत के नीचे हम 8 मध्य प्रदेश कहते हैं ना, बुद्धिपूर्वक धीरे धीरे बोल रहा हूं जिसको नोट करना कर सके, फिगर में भी आएगी ये बात थोड़ी सी। अब सुमेरु पर्वत तो पूरा नहीं बना सकेंगे, अब थोड़ा सा ऐसा ऊपर एक डंडा खींच कर रख देना जो मात्र चित्र तक वो बनना चाहिए। उसमें क्या बनाओगे आप? उसमें बनाओगे 8 मध्य प्रदेश होते हैं तो 8 मध्य प्रदेश में से गोस्तन आकार के, गोस्तन आकार बताया था ना मैंने, 8 मध्य प्रदेश होते हैं वो गोस्तन आकार के, नाभि के पास में भी हमारे होते मैंने कहा, तो वैसे सुमेरु पर्वत के बिल्कुल तल में नीचे गोस्तन आकार के 8 मध्य प्रदेश होते। मैंने बोला नहीं था आपको, पंच परावर्तन जब चला था अपना तो मैंने बताया था। तो इसमें जो 4 प्रदेश है वे तो पड़ते हैं चित्र पृथ्वी में, और 4 प्रदेश है वे पढ़ते वज्रा पृथ्वी में। मैं यहां से आप पढ़ के दिखाऊंगा, कुछ आप सुनेंगे बस, ठीक है? टैली करेंगे चित्र। ये मैं पेज 120 प्रश्नोत्तर संग्रह ही है भाग 1, जिसको बाद में पढ़ना ले लेना। चित्र आदि 16 पृथ्वियां कहां है, मध्यलोक या अधोलोक में? प्रश्न ये है उनका, तो वैसे उत्तर दे दो, दे देना आप मुझे जरा, मध्यलोक में ही क्या अधोलोक में है चित्रादि पृथ्वियां, क्या कहेंगे आप? ये तो ऐसा कहना पड़ेगा, देखिए मैं कहूं आपको, ये जो ऊपर का 1,000 योजन है ना, ये चित्र पृथ्वी वाला, ये तो मध्यलोक में ही आता है, और उसके नीचे के 15,000 योजन ये फिगर में ही आप बनाओ सीधा चलेगा, ये अधोलोक स्टार्ट्स हियर एरो करके, और ये मध्यलोक में क्या, ये पृथ्वी, ये चित्र 1,000 योजन, तभी तो हम ये कहते हैं मध्यलोक में सुमेरु स्थित है। तो ये 1,000 योजन भी ये पूरा मध्यलोक ही लेना है, मध्यलोक की सीमा सुमेरु ही नक्की करता है सच पूछो तो, नीचे की भी और ऊपर की भी। ऊपर का उसका टिप के ऊपर बाल लेके जाओ ऊर्ध्वलोक चालू हो रहा है, और नीचे का इसका बेस से नीचे उतरो अधोलोक चालू होता है। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं पढ़ के दिखा रहा हूं आप कुछ। देखिए रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग है। पहले तो मैं पूछू पेपर कैसा था आपका, कितने जनों को लगा इजी था पेपर? बहुत पेपर जो चला 5-6 दिन पहले जो पेपर हुआ अपना, कितने जन को इजी लगा? इजी नहीं लगा अक्षर, नहीं तो बोलो फिर अच्छे से, देखो कॉम्प्लिकेटेड कितने जन को लगा पेपर? कॉम्प्लिकेटेड कुछ लगा क्या? उसमें कोई दाव पेच की कोई बात ही नहीं थी, आपको सीधे सीधे सूत्र याद करना और उसका अर्थ इतना ही तो था। हाँ लेकिन उसमें भी बहुत सावधानी से अर्थ पढ़ना, आपको मैंने बोला था। चलो आगे बढ़ो। रत्न प्रभा में मुझे इसलिए मैंने कहा, मैं इतना आपका काम हल्का कर रहा हूं, आपको तो इतना काम हल्का करना चाहिए, नोट्स प्रॉपर रखो आप। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग है, खरब पंख और अब बहुल भाग, जिनकी मोटाई क्रमशः 16,000, 84,000 और 80,000 योजन है। इनमें से 16,000 योजन मोटे खरभाग में 16 पृथ्वियां है, जो एक के नीचे एक है, बीच में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। इनमें से सबसे पहले ऊपर की पृथ्वी का नाम चित्रा, दूसरी का नाम वज्रा है। जहां तक चित्रा पृथ्वी है वहां तक सुदर्शन मेरु की जड़ है। मेरु की जड़ में लोक के मध्य स्वरूप गोस्तनाकार 8 मध्य प्रदेशों में से ऊपर के 4 प्रदेश चित्रा पृथ्वी में है और नीचे के 4 प्रदेश वज्रा पृथ्वी में है। देखो मतलब ऊपर नीचे है ये भी एक्चुअली प्रदेश। अब ये क्या होना चाहिए मैं थोड़ा आपको फिगर बताऊं। ये देखो जैसे ये सुमेरु पर्वत है, इसका बेस देखें,
तो यहां पर एकदम ऊपर ये चार प्रदेश ये होंगे कुछ ऐसे एंड में लगभग टिप की तरफ, और चार प्रदेश यहां पर होंगे बिल्कुल टिप के नीचे, बॉटम के नीचे, बॉटम के थोड़े ऊपर, बॉटम के थोड़े नीचे, तभी तो कुछ चित्र में और कुछ वज्र में आ रहे हैं। ऐसे आठ मध्य प्रदेश, चार प्रदेश वज्रपृथ्वी में, मेरु की जड़ तक अर्थात खर भाग की चित्र पृथ्वी तक मध्य लोक में आती है, शेष 15 भाग आधो लोक में आते हैं। ये फिगरेटिवली पूरी बना दो, वर्ड इंफॉर्मेशन नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मुझे वहां पर एरो करके लिख देना मध्य लोक आधो लोक। अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का 1000 योजन का भाग मध्य लोक में है, और 1,00,000 बोलिए 1,79,000 योजन का भाग अधो लोक में है। अरे 1,80,000 योजन बोला था ना पूरा, उसका 1,000 योजन मात्र मध्य लोक में, 1,79,000 का भाग अधो लोक में। संपूर्ण आगे आगे महत्वपूर्ण टॉपिक न्यू लास्ट लाइन, संपूर्ण समुद्र वज्रा पृथ्वी के ऊपर है एवं सभी द्वीप चित्रा पृथ्वी के ऊपर है जहां हम सभी निवास करते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, संपूर्ण समुद्र वज्रा पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि समुद्र तो नीचे तक जाएंगे और द्वीप तो ऊपर। अब हम लवण समुद्र की गहराई वगैरह और समझेंगे तो वहां पर और समझ लेंगे। बोलो भाई, हाँ नहीं, वज्रा पृथ्वी में नहीं प्रवेश कर रहे ना, आपने बोला ना अभी, अर्थात देखो कि संपूर्ण समुद्र वज्रा पृथ्वी के ऊपर है, आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ऊपर बोला लेकिन वो 1000 योजन घेर लिया नीचे का, ठीक है। और शेष चर्चा जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है संयम को, कल उसका समाधान हम करेंगे। ओम नमः।